पांचों परमेष्ठियों को नमन। इस अवसर पिणी काल संबंधी प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा वृषभदेव भगवान को नमस्कार। अंतिम तीर्थंकर वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी को नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आचार्य चरित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय आचार्य शांति सागर महाराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। प्रार्थना है प्रभु हमारी विश्व का कल्याण हो। सर्वदान मूल जग में प्राणियों के प्राण हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारी। हम सरीखे अन्य प्राणी यह सभी को भान हो। हो दया सबके हृदय में दुखितों का ध्यान हो। दुखितों का ध्यान हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारी। मित्रता फैले परस्पर सभ्य हर संतान हो। भूख से रोए न कोई नित्य करुणा दान हो। नित्य करुणा दान हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारी। स्वार्थ बिन सेवा करें हम ज्येष्ठ का सम्मान हो। प्रेम हो पशु पक्षियों पर शुद्ध भोजन पान हो। शुद्ध भोजन पान हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारी। देश भक्ति जगे सभी में राष्ट्र का उत्थान हो। मूल संस्कृति जग मगाए पाप का प्रस्थान हो। पाप का प्रस्थान हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारी। विश्व का कल्याण हो। सर्वदान मोल जग में प्राणियों के प्राण हो। प्राणियों के प्राण हो। प्राणियों के प्राण हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारी। प्रार्थना है प्रभु हमारी। आज आदिनाथ भगवान की जयंती है और आज आदिनाथ भगवान की दीक्षा तिथि भी है। तो आदिनाथ भगवान के संबंध में शास्त्रों में जो वर्णन आता है
उनके 10 जन्मों का वर्णन आता है शास्त्रों में। सबसे पहले वैसे तो किसी जीव के जन्मों की कोई गिनती नहीं है, पर कहीं ना कहीं से कथा प्रारंभ करने के लिए वो उस जन्म को लेकर के वर्णन शुरू करते हैं। तो एक जय वर्मा नाम का राजकुमार था, तो किसी कारण से उसको वैराग्य हो गया, उसने दीक्षा ले ली। तो दीक्षा लेकर जब वो तपस्या कर रहे थे तब उन्होंने एक विद्याधर को विमान में जाते हुए देखा, जिससे रावण पुष्पक विमान में जाते थे वैसे। तो फिर विद्याधर को देखकर और उसके पास जो संपत्ति थी, जो उसका वैभव था, उसको देखकर जयवर्मा तपस्या तो कर ही रहे थे, पर उनके मन में एक इच्छा हुई कि मैं जो तपस्या कर रहा हूँ अगले जन्म में, यानी इस भाव के बाद ऐसा ही वैभव मुझे प्राप्त हो जाए। तो तपस्या के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, तप से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो जय वर्मा को दूसरे भाव में विद्याधर का जन्म मिलता है और उसका नाम पड़ता है महाबल। और महाबल विद्याधर जब उसको सांसारिक सुख मिलते हैं, सारा वैभव प्राप्त होता है क्योंकि पिछले जन्म की तपस्या थी साथ में, तो वो उसमें फंस जाता है। जो सुख इच्छा करके प्राप्त किया जाता है उसको छोड़ना मुश्किल होता है, और जो सुख अपने आप प्राप्त होता है उसको अपन ठुकरा भी सकते हैं, तो वो उसमें फंस जाता है। ठुकरा सकते हैं मतलब ठोकर मार सकते हैं उसको, उसको अलग कर सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो महाबल राजा फंस जाता है। उसके चार मंत्री थे, उन चारों मंत्रियों में से एक मंत्री सम्यक दृष्टि था, उसका नाम स्वयं बुद्ध था। तो स्वयं बुद्ध के मन में कभी कभी भाव आते थे कि हमारे राजा को कितना सब कुछ प्राप्त है लेकिन उसके धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं है। कई बार उसने प्रयास भी किया कि राजा का मन थोड़ा धर्म की तरफ आ जाए, लेकिन उसका मन आता नहीं था। कभी कभी कुछ लोग बचपन में धर्म में रुचि रखते हैं, फिर जैसे ही 10th क्रॉस करते हैं तो फिर वो बड़े हो जाते हैं बड़े, और फिर वो अपने अलग रास्ते पर चले जाते हैं। फिर जब जीवन में कभी कोई दूसरी घटना होती है तब धर्म की याद आती है। नीति वाक्यामृत में लिखा है कि अगर इंसान को दुख नहीं होता तो कोई धर्मात्मा नहीं होता। दुखात प्रीति, दुख के कारण ही उसको धर्म से प्रेम होता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो मंत्री भी विद्याधर था, राजा भी विद्याधर था। तो मंत्री सुमेरु पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए गया, तो वहाँ पर पश्चिम दिशा की ओर उसको सुमेरु पर्वत के ऊपर जब वो वंदना के लिए उतरा अपने विमान से, तो अचानक उसको दो मुनि महाराज आकाश मार्ग से आते हुए दिखे। वो चारण रिद्धिधारी साधु थे, आकाश में चलने की शक्ति थी उनके पास, तो उनको दिखते दो मुनि महाराज। आदित्य गति और अरिंजय उनका नाम था। तो फिर स्वयं बुद्ध मंत्री ने उनकी वंदना की, उनकी भक्ति की, और फिर उनसे पूछा कि हमारा राजा महाबल
धर्म में रुचि नहीं लेता, कहीं वो अभव्य तो नहीं है? अभव्य एक ऐसा जीव होता है, कुछ भी हो जाए वो सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। ऐसा जीव होता है अभव्य जीव, कभी नहीं बन सकता सम्यक दृष्टि। तो कहीं ऐसा जीव तो नहीं है हमारा राजा, मैं कितना प्रयास करता हूँ लेकिन उसको धर्म में कभी रुचि नहीं होती, लगाव ही नहीं होता उसको धर्म से। तब फिर वो जो मुनिराज थे, आदित्य गति जो बड़े महाराज थे, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान करके कहा कि हे मंत्रिन स्वयं बुद्ध, तुम जिसके बारे में भव्य और अभव्य की कल्पना कर रहे हो, वो भव्य शिरोमणि है, और आज यद्यपि उसको धर्म में रुचि नहीं है लेकिन कारण मिलने पर उसको रुचि जागेगी, और वो 10 जन्म के बाद भरत क्षेत्र का प्रथम तीर्थंकर होने वाला जीव है। अब आप कल्पना करिए कि 10 भाव पहले जिनके विषय में ये शंका हो रही थी कि भव्य है कि अभव्य, वो जीव तीर्थंकर का जीव था। इसलिए अपन किसी के बारे में कुछ भी अन्यथा नहीं सोच सकते, बोलना तो दूर की बात है, कुछ नहीं सोच सकते किसी के बारे में, कौन कब बदल जाए, कब किसका क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। कई अच्छे लोग बुरे बन जाते हैं संगति में पढ़ करके, बचपन में खूब साधुओं की संगति में रहते थे, खूब सेवा करते थे, विहार भी साथ में करते थे, फिर बाद में दूसरी संगति हो गई तो फिर मदिरा पान करने लग जाते हैं और दूसरे और व्यसन करने लग जाते हैं, और कई व्यसनी लोग साधुओं की संगति में आकर व्यसन मुक्त भी हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है जीवन में। तो स्वयं बुद्ध मंत्री पूछता है कि ऐसा कौन सा कारण बनेगा कि उसकी रुचि धर्म में होगी राजा की। तो बोले कारण दूर नहीं है, आज सवेरे तुम्हारे राजा ने रात के अंत अंत में 2 सपने देखे, उन 2 सपनों में से एक सपना ऐसा है कि 3 मंत्री उसको राजा को दलदल में फंसा रहे हैं, और तुम स्वयं बुद्ध उन मंत्रियों को डांट रहे हो कि तुम अपने ही राजा के साथ ऐसा कर रहे हो, और तुम राजा को वहाँ से निकाल कर उसको नहला रहे हो, पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है राजा। सपने में उसको ये दिखाई दिया था राजा। और दूसरा सपना ये है कि कोई एक सुंदर सा वृक्ष है लेकिन वो धीरे धीरे मुरझा रहा है और सूखता चला जा रहा है और फिर समाप्त हो रहा है। तो हे मंत्री, तुम अपने राजा से कहना कि 3 मंत्री आपको गुमराह कर रहे हैं और मैं आपको सच्चे धर्म की बात बताना चाहता हूं। दूसरे स्वप्न का फल ये है कि वो जो वृक्ष मुरझा करके नष्ट हो रहा है, आपकी आयु 30 दिन शेष बची है, 30 दिन में आपकी आयु पूरी हो जाएगी। स्वयं बुद्ध मंत्री को बड़ी आशा होती है कि गुरु के मुख से ऐसी बात सुनने मिल गई, वो चले जाते हैं और जाकर के राजा उनकी प्रतीक्षा ही कर रहा था राजा कि मुझे बताओ ये ऐसे सपने आए हैं इसका क्या मतलब होता है। तो स्वयं बुद्ध मंत्री बोलता है कि आप मुझे मत बताओ क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। तो राजा बोलता है कि अच्छा बताओ क्या हुआ है। तो फिर वो बताते हैं
कि आपने ऐसे ऐसे सपने देखे हैं और उसमें से सपनों का फल ऐसा ऐसा है, अब बोलो आपका क्या विचार है। तो फिर राजा बहुत प्रसन्न होकर के स्वयंबुद्ध मंत्री को सम्मानित करता है और कहता है कि मैंने आज तक आपकी बात नहीं मानी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब मैं आपकी बात मानूंगा और जब मेरी आयु 1 माह शेष है, 30 दिन ही मुझे जीवित रहना है, तो फिर मैं कुछ अच्छे से धर्म करना चाहता हूँ। तब फिर अष्टान्निका का समय आ जाता है। उस समय तो 8 दिनों तक बड़ी भारी पूजा का उत्सव करते हैं, अष्टान्निका की बड़ी पूजा करते हैं। और उसके बाद जो अब 22 दिन बच गए आयु के, तो 22 दिन का वो उपवास करते हैं। राजा जिसने जीवन में एक उपवास नहीं किया था, वो लगातार 22 दिन उपवास करता है और 22 दिन उपवास करके फिर अपनी संलेखना के साथ आयु पूरी करता है और आयु पूरी करके देवगति को प्राप्त होता है। सौदा विषाण प्रथम युगल में उत्पन्न होता है और फिर ललितांग उस देव का नाम था। पानी नहीं पिया था राजा ने, पानी भी नहीं पिया था 22 दिन तक पूरे उपवास किए थे निर्जल। आप थोड़ा ऐसे बैठ जाना ना, पीठ भगवान की तरफ ना पड़े। ललितांग उनका नाम था। अब चूंकि वहां की आयु बड़ी होती है, 2 सागर की आयु होती है, 2 सागर में कई देवियां आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। जो अंतिम देवी आती है ललितांग देव की, जो अंतिम देवी होती है, उसका नाम स्वयं प्रभा था। देवियों की आयु थोड़ी छोटी रहती है वहां पर स्वर्ग में, और देवों की बड़ी होती है। तो वो जो अंतिम देवी आती है, उस देवी की आयु जब 6 महीने बाकी रहती है, तब ललितांग देव की आयु पूरी हो जाती है। और ललितांग देव को वो देवी सबसे अधिक प्रिय थी। ललितांग देव तो आकर के मनुष्य बन जाता है और वो जो देवी थी वो बहुत दुखी होती है, इतना दुखी होती है कि वो सहन ही नहीं कर पाती कि हमारे देव चले गए, उनकी आयु पूरी हो गई, वो नीचे चले गए, हम यहीं रह गए, बहुत दुखी होती है। तो फिर उनको जो बड़े समझदार देव थे वो समझाते हैं कि तुम ऐसे आकुल व्याकुल होगी, दुखी ज़्यादा होगी, तुम मर करके तुम जानवर बन जाओगी। जो लोग बहुत दुखी होकर के मरते हैं ना, वो जानवर और पक्षी बनते हैं, इसलिए तुम इतना दुखी मत हो, तुम भगवान की भक्ति करो। और कोई आत्मा का तो अंत होता नहीं है, तुम फिर से मिल जाओगे उससे, रो करके क्यों तुम अपना जन्म खराब करते हो आगे का, दुखी मत हो। तो उसको शांत करते हैं, उसको भी बात समझ में आती है कि सही बात है कि हम ज़्यादा आकुलता करेंगे तो फिर हमें त्रियंश गति का बंद हो जाएगा, तो फिर हमें वहाँ जाना पड़ेगा। फिर वो मन को शांत करके फिर 6 महीने तक वो भगवान की पूजा करती है और पूजा करके एक चैत्य वृक्ष के नीचे, ऐसे वृक्ष भी होते हैं स्वर्ग में जहाँ पर वृक्ष के ऊपर प्रतिमा होती भगवान की, तो उसके नीचे बैठ जाती है और फिर पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते करते नमो रंतान नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो वज्जायन नमो लोहि सबसम अपनी आयु पूरी करती है। और आयु पूरी करके वो चक्रवर्ती की पुत्री बनती है। चक्रवर्ती उस समय विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती वज्रदंत थे, तो उनकी पुत्री बनती है वो, पुत्री यानी बेटी, और उसका नाम श्रीमती होता है।
श्रीमती। और वो जो ललितांग देव का जो जीव था, वो वहाँ पर जो मनुष्य पर्याय में आता है तो उसका नाम वज्रजंग होता है और इनका विवाह होता है, ऐसा संयोग बन जाता है। और फिर इनके यहाँ पर कई ट्विन्स बच्चे होते हैं, बहुत सारे जुड़वा बच्चे इनके यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उनमें से कई दीक्षा भी ले लेते हैं। एक बार ये लोग अपने ही एक पुत्र को जो मुनि महाराज थे उनको भोजन कराते, आहार कराते हैं, आहार दान देते हैं। तो आहार दान देते हैं तो वहाँ पर वो ऐसी जगह पर आहार दान होता है जहाँ पर कुछ जानवर भी उस आहार दान को देखते रहते हैं। बंदर था, नेवला था और भी दो जानवर थे वो देख रहे थे। तो उन जानवरों के भी मन में अच्छे अच्छे भाव आने लगते हैं मुनि महाराजों का आहार दान देख करके। और इन सभी को, छहों को उत्तम भोग भूमि की आयु का बंद होता है, माने वो देव गुरु में, उत्तम भोग भूमि में, वहां से आयु पूरी करने के बाद देव गुरु में उनका जन्म होता है। अब वो जो स्वयंबुद्ध मंत्री थे उस जन्म के, महाबल राजा के समय के, वो अब यहाँ पर एक प्रीतिंकर नाम के राजकुमार हुए थे और उनके एक छोटे भाई भी और थे। तो दोनों दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद एकदम इनको अचानक ख्याल आता है कि मेरे उस जन्म में एक राजा था और मैं मंत्री था, ऐसे उनको स्मरण आता है। आज भी कुछ लोगों को जाते स्मरण होता है, पिछले जन्म का स्मरण हुआ था। अभी एक कोई बच्ची है ना छोटी सी राजस्थान में, त्रिशा उसका नाम है, त्रिशा या कृषा कुछ नाम है उसका, वो धुआंधार इंग्लिश बोलती है, मतलब इतनी फास्ट इंग्लिश बोलती है जो मतलब उसके फैमिली वाले इतना इंग्लिश नहीं जानते और वो ऐसी इंग्लिश बोलती है और वो पूरी फॉरेनर स्टाइल में बोलती है। और वो बोलती है कि आया योगा टीच है, ऐसे करके स्टाइल में बोलते कि मैं तो योग की शिक्षिका हूँ, मैं तो वहाँ से यहाँ आ गई हूँ, यहाँ मेरा जन्म हो गया है, इस प्रकार की बातें करती है। आप वीडियो ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आज भी कुछ लोगों को पिछले जन्म का वो होता है, त्रिशा या कृषा नाम तो जो भी था आपको, तो ढूंढोगे तो मिल जाएगा फटाफट, कोई देरी नहीं। तो वो जो दोनों भाई थे वो विचार करते हैं कि वो राजा कहाँ गया जिसने अंत में 8 दिन पूजा की और 22 दिन उपवास किए, वो राजा इस समय कहाँ गया। तो फिर उनको अवधिक ज्ञान था तो उन्होंने अवधिक ज्ञान से जान लिया कि ओ वो तो वहाँ पर है, उत्तम भोग भूमि में है। तो अपने भाई से बोलते हैं कि चलो उनके पास जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर भोग भूमि में है तो भोग भूमि में जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो भवन त्रिक में जाते, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में जन्म लेते हैं, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो वैमानिक देव बनते हैं। अभी जो अपना राजा था पुराना हमारा, वो सम्यक दर्शन नहीं है उसके पास, तो अपन वहाँ चलते हैं। तो दोनों भाई चले जाते हैं वहाँ पर। मुनि महाराज थे, महान साधु थे, ऋषि थे, चारण रिद्धिधारी थे, अवधि ज्ञानी थे। और वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं तो फिर वो लोग देखते हैं उस श्रीमती का जीव भी साथ में ही था और वज्रजंग भी वहाँ पर आर्य बने हुए थे, वो आर्या बनी हुई थी। आर्य और आर्या है ना भोग भूमि संबंधी, यहाँ पर कर्म भूमि की बात नहीं है। तो फिर वो देखते हैं उनको, फिर उनको ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि आपको देखकर मुझे इतना लगाव क्यों हो रहा है।
क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो फिर प्रीतिंकर मुनि महाराज कहते हैं कि हाँ, बहुत लंबे समय तक अपन साथ में थे। जब तुम उस जन्म में जब महाबल राजा थे तुम, तब मैं तुम्हारा स्वयं बुद्ध मंत्री था। और देखो यहाँ पर तुम भूमि में आया हो, मुनि महाराज को आहार दान देने के प्रभाव से तुम यहाँ के सब सुख तुम्हें प्राप्त हुए। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से तुम्हें जो चाहे वो सब प्राप्त हो जाता है। तुम्हारे पास कितने सारे रत्न आभूषण सब कुछ है, वस्त्र आदि सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास एक रत्न नहीं है। वो पूछता है मेरे पास कौन सा रत्न नहीं है? बोले वो अंदर का रत्न होता है। अंदर का रत्न होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन रत्न नहीं है तुम्हारे पास। फिर बोले वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो बोले वो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने से, जिनवाणी सुनने से प्राप्त होता है। तब फिर वो हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि आप सुनाओ। तो फिर वो मुनि महाराज उनको जिनवाणी सुनाते हैं। और वो वहाँ पर वो लोग भी थे जो जानवर थे ना पहले, जिन्होंने आहार दान देखा था, वो भी वहाँ पर थे। तो सब सुनते हैं मुनि महाराज की वाणी को, जिनवाणी को, और सब सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। और सम्यक दृष्टि बनने के बाद फिर वो उनके मुनियों के, मुनि महाराज के चरण छूते हैं, और मुनि महाराज भी उनको ऐसे हाथ उनके ऊपर हाथ फेरते हैं और फिर आशीर्वाद दे करके वहाँ से मुनि महाराज जाने लगते हैं। वो मुनि महाराज ऐसे थे, वो प्रीतिंकर मुनि महाराज, कि उनको उसी जन्म से अरहंत और सिद्ध पद प्राप्त करना था, क्योंकि वो उनका अंतिम जन्म था। लेकिन इनका जन्म, इनके कई जन्म बाकी थे, क्योंकि महाबल से लेकर 10 जन्म बाद इनको तीर्थंकर होना था। तो अभी तो कुछ ही जन्म हुए हैं। तो उसके बाद फिर सम्यक दर्शन हो जाने के बाद उनको कभी दोबारा न तो जानवर की पर्याय प्राप्त हुई, न कोई दुर्गति में उनको जाना पड़ा। वो सिर्फ देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य होते रहे। और फिर एक पर्याय ऐसी उनकी आई जब वो वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती बने। वज्रनाभि विदेह क्षेत्र में, और चक्रवर्ती बनकर के, जो चक्रवर्ती का विशाल ठाट होता है वैभव, 6 खंड के वो एक छत्र राजा होते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में झुके रहते हैं। तो चक्रवर्ती बन करके उनको एक बार बागवान ने, उनके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बगीचे थे, कई तालाब थे उनके यहाँ, तो वहाँ से एक बहुत ही सुंदर सहस्रदल कमल, 1,000 पंखुड़ियों वाला कमल, वो बागवान जो होता है, माली होता है, वो लेकर के आया और एक स्वर्ण पात्र में ला करके राजा को उसने भेंट किया। तो राजा ने उस कमल को अपने पास ऐसे देखा और बड़ा सुंदर कमल था, 1,000 पंखुड़ियाँ थी। तो राजा ने उसको ऐसे सूंघा तो कमल की एक विशेष सुगंध होती है, और उस खुशबू को लेने के बाद राजा ने आंख बंद कर दी और आंख बंद करके उस कमल को ऐसे सहलाने लगा, हाथ ऐसे ऐसे फेरने लगा। तो हाथ फेरते फेरते अचानक उसके हाथ में कांटा लगा राजा के। तो उसने एकदम झटके से आंख खोली और देखा कि ये कमल में कांटा कैसे लगा मेरे को। तो देखते हैं कि उस कमल के अंदर एक मरा हुआ कीड़ा था, काले रंग का भ्रमर बोलते हैं जिसको, मराठी में भूंगा बोलते हैं ना, और अंग्रेजी में बम्बल भी बोलते हैं।
काले रंग का इतना बड़ा होता है ना, बी जो काले रंग का बड़ा वाला होता है, उसको और कौन सा शब्द है भाई? भ्रमर, भौरा, ये सब नाम है उसके। तो मरा हुआ भौरा देख करके उसको लगा कि ये इतने सुंदर कमल में ये मरा हुआ भ्रमर कहाँ से आ गया। और वो जो बागवान लेकर के आया था कमल, वो सोचता है कि अब तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा क्योंकि कमल में से कीड़ा निकल गया। राजा को गुस्सा आ गया तो राजा मुझे मृत्युदंड दे देगा। लेकिन राजा दूसरा विचार करने लगा। राजा ने सोचा कि ये मरा कैसे होगा। फिर उसने अपनी बुद्धि लगाई तो राजा को समझ में आया कि हाँ, ये जब दिन ढलता है ना तो जो भ्रमर कमल का रस लेते रहते हैं वो कभी कभी अंदर जाते हैं और दिन ढलने के बाद सूरज डूबता है तो फिर कमल बंद हो जाता है। तो वो भ्रमर अंदर रह जाता है, वो चाहे तो बहुत आसानी से बाहर आ जाता है, लेकिन वो उसके रस में इतना डूब जाता है, इतना उसको पसंद आता है कि वो उसकी उससे बाहर नहीं निकलता। और बाहर ना निकलने के कारण वहाँ अंदर हवा नहीं रहती, सांस बिना हवा के कैसे सांस लेगा वो, तो अंदर ही एकदम ऐसे बंद हो जाता है वो टाइट। और वो चाहे तो छेद भी कर सकता है, भ्रमर के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो लकड़ियों में गड्ढा कर देता है, लकड़ी को काट करके अंदर घर बना लेता वो अपना, तो उसमें इतनी शक्ति है। फिर भी वो इतना उसको लगाव रहता है उससे कि उसमें फंस जाता वो, और वहाँ फंसने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा सोचता है कि जब एक इंद्रिय की आसक्ति के कारण, यानी उसको खुशबू, उसको जो रस पसंद है भ्रमर को, उसके कारण उसकी मौत हो जाती है, तो फिर मैं तो पांचों इंद्रियों के सुखों में डूबा हुआ हूँ। मेरे सामने नृत्य, नाट्य आदि कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, मेरे यहाँ संगीत, वाद्य आदि के भी बड़े बड़े उत्सव होते रहते हैं, मेरे यहाँ सब प्रकार की चीज़ें होती हैं। मुझे प्रतिदिन एक वर्ष में 360 रसोइये मेरे लिए अलग अलग चीज़ें बना बना कर खिलाते हैं, मेरे पास कपड़े भी एक से बढ़कर एक हैं, तो मैं तो पूरी तरह फंसा हुआ हूँ। जब ये सिर्फ एक इंद्रिय के कारण इसकी ऐसी दशा हो गई तो पांचों इंद्रिय के कारण मेरी क्या दशा होगी? नहीं, उसको बागवान से बोलते हैं कि मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ कि मैं सोया हुआ था और तूने मुझे जगा दिया। और अपना हार उतारकर उसको भेंट कर देता है और चक्रवर्ती अपने पूरे कुटुंब परिवार से कहता है कि अब हम विदा लेते हैं, अब हम यहाँ पर घर पर नहीं रहेंगे, हम तपस्या करेंगे, हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो सब लोग बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, कितनी रानियाँ होती हैं उनकी और कितने पुत्र अधिक होते हैं, लेकिन सब दुखी होते हैं। पर चक्रवर्ती बोलते हैं कि नहीं, ये मोह के आंसू मत बहाओ, मैं मोह को तोड़कर आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ, तो मैं चलता हूँ। और दीक्षा लेने चले जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेकर तपस्या करते हैं, और तपस्या गुरु के सानिध्य में इतनी विनय करते हैं गुरु की, और दर्शन विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, 16 कारण भावनाएं भाते हैं, और फिर तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य संचित करते हैं। और जब आयु के अंतिम 6 महीने शेष रह जाते हैं तब वो ऐसे पद्मासन लगा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ पर जैन पद्मासन में पहले बायां पैर नीचे रखा जाता है, फिर दाहिना पैर उसके ऊपर रखा जाता है, और एड़ियों को एकदम पास पास रखा जाता है, दूर दूर नहीं।
और फिर ऐसे शांत बैठ गए। 6 महीने तक बैठे रहते हैं वो पद्मासन में 6 महीने तक बैठे रहते हैं, और 6 महीनों में उनके आसपास कुछ चींटियां बामियां बना लेती हैं और उसमें सांप भी रहने लग जाते हैं, कई बिच्छू भी आसपास घूमते रहते हैं और उनकी जटाओं में बाल भी बड़े हो जाते हैं 6 महीने में। तो 6 महीने के बालों में पक्षी भी घुस जाते थे कई बार, बीच में छोटे छोटे पक्षी आते थे बालों में चले जाते थे, पर उनको कोई मतलब नहीं था। और चक्रवर्तियों को, नारायणों को, तीर्थंकरों को दाढ़ी मूछ नहीं होती, तो चेहरा तो यथावत था लेकिन ये केश बड़े हो गए थे। तो सब कुछ पूरी ऐसे लताएं उनके शरीर से लिपट गई थी, जो बेलें होती है ना वो उनके शरीर से, जैसे बाहुबली स्वामी की लिपट गई थी वैसे ही इनके शरीर से भी लिपट गई थी। तो वो शांत बैठे हुए थे, 6 महीने हो गए, ना आहार ना पानी ना चलना ना फिरना कुछ नहीं, शांत बैठे हुए। कभी कभी बीच में कोई विद्याधर आदि आते थे तो उनकी जो विद्याधरियाँ होती थी वो बोलती थी कि अरे ये मुनि महाराज ऐसे बैठे हुए हैं और इनके शरीर में पूरी लताएं लिपट गई हैं, ये जब आहार के लिए निकलेंगे तो लताओं को देख करके फिर वो उठेंगे नहीं, तो चलो अपन हटा देते हैं। तो वो लोग लताओं को हटा भी देते थे, तो ऐसा करते, पर वो उठते नहीं थे, वो तो बैठे हुए थे। उनको मालूम था कि मेरी आयु अब 6 महीने बची है, तो फिर बैठे बैठे अंत में उन्होंने ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया देखो समय सबका जा रहा है, इसलिए आप मान जाओ बात को, यहाँ आ जाओ, आपको सामने ही तो बैठने मिल रहा है, नहीं तो फिर आप आ जाओ है ना। पहचान वाले जब आसपास बैठते हैं ना तो फिर स्पीकर चालू हो ही जाता है। अंत में 2 बार उपशमक श्रेणी पर आरोहण करते हैं, 11वें गुण स्थान में जाकर यथाख्यात संयम में उनकी आयु पूर्ण होती है, और वो देवों के अंतिम स्थान 63वें पटल में सर्वार्थ सिद्धि नाम का जो विमान है वहाँ पर अहमिंद्र पद को प्राप्त होते हैं। और जब 6 माह आयु वहाँ शेष रह जाती, 33 सागर की आयु थी वहाँ पर, 6 महीने बाकी रह जाते हैं, तब सौधर्म इंद्र को संकेत मिल जाते हैं कि अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर जन्म लेंगे। तो इंद्र कुबेर को आदेश देते हैं कि प्रबंध करो, तीर्थंकर आने वाले हैं, पहले से तैयारी करो। तो उनके आने से 6 महीने पहले ही वहाँ पर रत्न वृष्टि आदि सब प्रारंभ हो जाते और माहौल बन जाता है, एक वहाँ सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती, सब संपन्न हो जाते। अब रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, प्रहर का अर्थ 3 घंटा है, 1 प्रहर 3 घंटे का होता है, 24 घंटे में कितने प्रहर होंगे, 24 को 3 से भाजित कर दो, 8। तो रात का पहला प्रहर रौद्र प्रहर है, रौद्र प्रहर में सोने को मना करते हैं, शास्त्रों में मना है कि रौद्र प्रहर में सोना नहीं। आप चाहो तो स्वाध्याय करो, कोई पाठ करो, भक्ति करो, कुछ भी करो, बीमार पड़ जाओ तो बात अलग है, लेकिन वैसे रौद्र प्रहर में शयन नहीं करना। फिर दूसरा प्रहर होता है राक्षस प्रहर, यानी सूरज डूबने से 3 घंटे तक सोना मना है। फिर
दूसरा प्रहर राक्षस प्रहर है, तीसरा प्रहर गांधर्व प्रहर है। रौद्र, राक्षस, गांधर्व प्रहर, गुणभद्राचार्य महाराज ने ये चार प्रहरों के नाम उत्तर पुराण दिए हैं। और अंतिम प्रहर मनोहर प्रहर होता है। तो मनोहर प्रहर में माता मरुदेवी 16 सपने देखती है, और जब सवेरा होता है तो बंदीजनों के संगीतमय स्वरों को सुनकर माँ की नींद खुलती है। बड़ी प्रसन्नता होती है, इतने शुभ सपने थे, 16 सपने, माला स्वप्न बोलते हैं उसको। एक छिन्न स्वप्न होता है, दूसरा माला स्वप्न है। माला स्वप्न का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे जैसे एक माला में कई मोती होते हैं, वैसे ये सुंदर सुंदर 16 सपनों की माला बन जाती है। तो वो सब प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने स्वामी के पास जाती है। कौन थे मरुदेवी माता के स्वामी? राजा नाभिराय। नाभिराय, तो उनको जाकर के बताती है कि ऐसा ऐसा। और नाभिराय जो थे 525 धनुष ऊंचे थे, ऊंचाई उनकी 525 धनुष थी, त्रिलोक सार ग्रंथ में लिखा है। तो उनको जाकर के सब बताती है। तो नाभिराय बताते हैं कि अरे तुम तो तीर्थंकर की माँ बन रही हो। तो उनको इतनी खुशी होती है कि अरे मेरा पुत्र तीर्थंकर होगा, बहुत आनंदित होती है। और तब तक देवलोग आ जाते हैं, और देवलोग आकर के इंद्र कुबेर से कहता है कि चलो माता पिता का अभिषेक करो और इनकी वस्त्र आदि से भव्य पूजा करो। वैसे ही होता है। और इंद्र जब वहाँ आता है तो नगरी में प्रवेश करने से पूर्व अयोध्या की परिक्रमा लगाता है, प्रदक्षिणा लगाता है, और उसके बाद वहाँ पर आकर के फिर ये उत्सव होता है। फिर इंद्रादि देव वापस चले जाते हैं। ये पहला उत्सव था, इसको कहते हैं गर्भ कल्याणक। फिर गर्भ की अवधि जब पूर्ण होती है तब चैत्र कृष्णा नवमी, ये तिथि जो आज है, उधर देख लो आप सामने बोर्ड है ना, यहाँ से नहीं दिखेंगे, सामने से दिखेंगे। चैत्र कृष्णा नवमी, आज नवमी है लिखा है। है ना, तो बस वो चैत्र कृष्णा नवमी थी। तब जब गर्भ में 8 महीने पूरे होते हैं ना, तब माँ के अंदर एक प्रतिभा बुद्धि उत्पन्न होती है, एक ऐसी विलक्षण बुद्धि होती है कि देवियाँ जो सेवा करती रहती हैं वो कैसे भी टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछे माँ उनको सेकंड्स में उत्तर देती है। कोई भी प्रश्न पूछ ले सबका आंसर दे देती है माँ। और उसके बाद बहुत खुश रखती है वो माँ को, देवियाँ जो रहती हैं ना खूब सेवा करती हैं माँ की, और पूरे समय खुश रखती हैं, गर्भशोधन आदि भी करती हैं। और माँ की विशेषता अपन ने पढ़ी थी भक्तावर में, कितनी सारी विशेषताएँ होती है तीर्थंकर की माँ की, तो वैसी माँ होती है। तो उसके बाद आज इस तिथि पर उनका जन्म हुआ। तो जन्म होते ही साथ कल्पेशु घंटा भवनेशु शंखा, स्वर्ग के विमानों में घंटा नाद होता है, भवनवासियों के भवनों में शंख बजने लग जाते हैं। फिर व्यंतर और ज्योतिष के देवों में, व्यंतरों में नगाड़े बजते हैं और ज्योतिष के देवों में सिंह नाद होता है, शेर की दहाड़े होने लग जाती है, वहां पर सुनाई देती है सिंह की गर्जना। तो उन सबको समझ में आ जाता है कि तीर्थंकर जन्म में है। और थोड़ी देर के लिए तीनों लोक में
चारों ओर शांति हो जाती है। तो वो सारे देव इकट्ठा होते हैं और सौधर्म इंद्र के नेतृत्व में वो सारे के सारे जाते हैं और भगवान के इस अयोध्या नगरी की प्रदक्षिणा लगा करके फिर इंद्र इंद्राणी को कहता है कि हे शची, इंद्र की 8 इंद्राणियाँ होती हैं, तो उनमें से जो शची नाम की इंद्राणी है उससे इंद्र कहता है कि जाओ भगवान को लेकर के आओ, क्योंकि वहाँ माँ के कक्ष में हम नहीं जा सकते, तुम जाओ और भगवान को लेकर के आओ। तो इंद्राणी अंदर जाती है और भगवान को देखती है, तो देखते ही साथ उसको इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है, इतने सुंदर लग रहे थे भगवान, एकदम गोल्डन कलर के थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर उसने माँ को ऐसे करके नींद में सुला देती है, वो माया निद्रा में सुला देती है, और वहाँ पर भगवान जैसा ही एक आकार बना करके अपनी माया से रख देती है। और फिर जो ओरिजिनल भगवान थे उनको लेकर के धीरे धीरे बाहर आती। वो जल्दी इसलिए नहीं आती कि उसको लगता है कि अभी इतनी देर के लिए तो भगवान मेरे हाथ में आए, अब भी बाहर जाऊंगी तो वो ले लेंगे। फिर बाहर निकलती है और फिर इंद्र को बालक भगवान, जो बाल भगवान थे, वो सौंप देती है। इंद्र उनको देखता है ऐसे हाथ में लेकर के, वो इतने सुंदर थे कि वो आश्चर्यचकित हो जाता है इंद्र। इंद्र को लगता है कि इतने सुंदर, तो दक्षिण शक्र सहस्राक्षो बभूव बहु विस्मय तव रूपस्य सौंदर्यम दृष्ट्वा तृप्ति मना पिवान। आपकी सुंदरता को देखकर इंद्र तृप्त नहीं हो रहा था, उसका पेट नहीं भर रहा था देखते देखते। तो उसने क्या किया, दक्षिण सहस्राक्षो बहु, वो 2 आंख थी उसकी, तो उसने 1000 आंखें बना ली भगवान को देखने के लिए। और उसके बाद फिर भगवान को ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के धूमधाम के साथ गाजे बाजों के साथ सुमेरु पर्वत पर ले जाता है। और सुमेरु पर्वत पर सबसे पहले वो जो शिला है जहाँ पर अभिषेक होता है भगवान का, उसकी वो अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं चारों निकाय के देव। और उसके बाद फिर भगवान को उस पर विराजमान करते हैं। कभी भी कोई जन्मा हुआ बालक बैठ नहीं सकता, लेकिन तीर्थंकर भगवान के जन्म के 10 अतिशय होते हैं, उनमें से एक अतिशय है अतुलित बल। तो वो बैठते भी है और वो जो हजारों लाखों घड़ों से अभिषेक होता है, केवल अकेला इंद्र 1008 महाकलशों से कुंभों से अभिषेक करता है और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भगवान को। जबकि उसमें ऐसा लिखा है कि अगर वो धारा, इतनी मोटी मोटी धाराएं अगर किसी पहाड़ पर गिर जाए तो वो पहाड़ कट जाएगा, लेकिन भगवान इतने बलवान होते हैं कि वो मुस्कराता रहता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको, पानी गिर रहा है बस। और कभी कभी ऐसे जब वो सांस लेते हैं तो कुछ छींटे ऐसे दूर जाते हैं थोड़े से, यहाँ जो छींटे आ रहे हैं ना पानी के, वो ऐसे दूर जा रहे हैं। वो पानी भी क्षीर समुद्र का जल होता है तो दूध ही रहता है वो एक प्रकार से। तो वो ऐसे जब जाते हैं तो आसपास जो लोग देव थोड़ा नज़दीक आकर के उनको देखना चाहते हैं ना, वो उनकी सांस की हवा से मक्खियों के समान दूर उड़ जाते हैं। इतना सुंदर वर्णन है आप अभिषेक का, आदिनाथ भगवान के अभिषेक का वर्णन अगर आप पढ़ेंगे महापुराण में, हरिवंश पुराण में, तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आप सामने से देख रहे हो। और उसके बाद फिर सुगंधित जल से अभिषेक करते हैं, पहले क्षीर समुद्र के जल से करते हैं, फिर सुगंधित जल से करते हैं, फिर इंद्र शांति मंत्र का पाठ करते हैं उच्च स्वर से और विश्व शांति की कामना करते हैं। और फिर जब फिर बाकी देव लोग भी करते हैं, सब करते हैं अभिषेक, कोई वंचित नहीं रहता वहाँ पर। और जब इंद्राणी उनका मार्जन करती है, तो मार्जन करते जाते तो इंद्र को लगता है कि इतने बार बार क्या मार्जन कर रही है, ये गाल पोछते चले जा रही, अब कितना देर लगाएगी,
फिर एकदम अचानक इंद्र का ध्यान जाता है, ओहो इंद्राणी को धोखा हो रहा है। धोखा ये हो रहा है कि भगवान का चेहरा इतना चमकीला है कि जब वो इंद्राणी पूछ रही है भगवान को, तो उसकी जो नासाभूषण है, नाक का जो आभूषण है, उसके अंदर जो नग लगा हुआ है, उसकी परछाई उसमें दिख रही है। और इंद्राणी समझ रही है कि ये पानी है, पूछते जा रहे पूछते जा रहे, वो पानी नहीं। फिर इंद्र समझाता है कि अरे इंद्राणी, हे शशि, वो पानी नहीं है, वो तुम्हारे आभूषण का प्रतिबिंब है। भगवान का इतना तेजस्वी मुख, इतना सुंदर और दर्पण जैसा वो लग रहा है। चलो चलो अब देर मत करो, जल्दी से इनको आभूषण और वस्त्र आदि पहनाओ, फिर अपन चलते हैं। अपने को अयोध्या भी जाना है, अयोध्या में भी बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि जन्म कल्याण का उत्सव अपन ने समीरु पर्वत पर तो कर ही लिया। देव और विद्याधर यहाँ उपस्थित थे, कुछ चारण मुनि महाराज भी आ गए, तो सबके सानिध्य में भव्य कार्यक्रम हो चुका है। और फिर गंधोदक से वो देवलोक परस्पर में होली भी खेलते हैं। ऐसा भी जिनसेन आचार्य, भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने महापुराण में लिखा है कि वो जो गंधोदक होता है, वो देवलोक आपस में एक दूसरे के ऊपर उसको उछालते हैं, ऐसा लिखा है। तो फिर वहाँ लौट करके आते हैं अयोध्या में, और अयोध्या में वो इंद्र तांडव नृत्य करता है और आनंद नाटक करता है, जिस नाटक में भगवान का ही पूरा चित्रण होता है। और फिर उनका नाम वृषभ रख करके जाता है। और वैसे आदिनाथ इसलिए बोलते हैं कि पहले नाथ यानी प्रथम तीर्थंकर थे, नाथ यानी तीर्थंकर, तो प्रथम तीर्थंकर होने के कारण आदिनाथ बोलते हैं। और वैसे वृषभ देव उनका नाम था। फिर वृषभ देव के अंगूठे में इंद्र अमृत स्थापित कर देता है। तो वो छोटे बालक रहते हैं, तो बच्चे लोग अंगूठे चूसते रहते हैं, तो वो अमृत चूसते चूसते बड़े हो जाते हैं। और पूरे समय देवोपनीत दिव्य सुखों को ही वो भोगते हैं, वो और कुछ नहीं लेते। यहाँ पर देवोपनीत ही सब कुछ खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सब कुछ वो देवों के द्वारा लाया हुआ ही रहता है। और ऐसा करते करते फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं, बड़े ज्ञानवान थे, तीन ज्ञान के धारी थे, सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले, वैसे भी अगर तीर्थंकर नहीं भी होते तो भी तीन ज्ञान के धारी होते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती अवधि ज्ञानी थे, बाहुबली अवधि ज्ञानी थे, श्रेयांश राजकुमार युवराज श्रेयांश अवधि ज्ञानी थे, सोमप्रभ राजा अवधि ज्ञानी, जितने सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले सब अवधि ज्ञानी होते। लेकिन तीर्थंकर तो कहीं से भी आए, वो नियम से अवधि ज्ञानी होते। तो ऐसा करते करते फिर वो राजा हो जाते हैं, नाभिराय उनको सब कुछ सौंप देते हैं। और फिर जब नाभिराय के पास एक बार सारी प्रजा आकुल व्याकुल होकर के आती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अभी कल्प वृक्ष कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या करें, तो फिर नाभिराय बोलते हैं कि मेरे पुत्र के पास जाओ, वो तुम्हें कर्म भूमि की व्यवस्था से बताएंगे। तो फिर वृषभ देव के पास जाते हैं, सब प्रणाम करते हैं, फिर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। तो वृषभ देव जो थे वो अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र में जो कर्म भूमि है उसको जान करके फिर बताते हैं, वर्ण आश्रम षटकर्म आदि सारे व्यवस्था उनको समझाते हैं, कर्म भूमि में कैसे जिया जाता है सब कुछ समझाते हैं, क्या भक्ष है क्या अभक्ष है ये सब कुछ सिखाते हैं। और उनके जो पुत्र होते हैं ऋषभ देव भगवान के, उनमें सबसे बड़े जो थे वो भरत थे, वो यशस्वती नाम की रानी से उत्पन्न हुए थे। और भरत के साथ और भी कई भाई हुए थे, 98 भाई हुए थे, 98 टोटल, भरत को मिलाकर 99। और एक बहन थी, भरत की एक बहन थी, उनका नाम था ब्राह्मी, ब्राह्मी। और इन सबको आदिनाथ भगवान ने अलग अलग कलाएं विद्याएं सब सिखाई थी, जैसे वृषभ सेन थे उनको संगीत विद्या सिखाई थी, भरत को राजनीति, बाहुबली को युद्ध कला आदि,
विश्वकर्मा नाम के जो पुत्र थे उनको शिल्प विद्या सिखाई थी। ऐसे सभी पुत्रों को उन्होंने शिक्षा दी थी, किसी को अशिक्षित नहीं रखा था। और अपनी पुत्रियों को भी उन्होंने लिपि विद्या और अंक विद्या सिखाई थी, किसी को भी अनपढ़ नहीं रहने दिया था उन्होंने। तो और दूसरी रानी जो थी वो सुनंदा थी। तो सुनंदा रानी से एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी। तो एक पुत्र जो थे उनका नाम था बाहुबली, और बाहुबली अपने दादाजी की ऊंचाई वाले थे। दादाजी कौन थे? नाभिराय। कितने ऊंचे थे? और पिताजी जो थे आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, और बाहुबली उनसे भी ऊंचे। कई बच्चे रहते हैं ना पिताजी से ज़्यादा हाइट वाले रहते हैं। तो बाहुबली 525 धनुष के थे, भरत 500 धनुष के थे। और बाहुबली की जो बहन थी उनका नाम सुंदरी था, उनका एक नाम कुमारी भी था, दो नाम थे। और इन सब को व्यवस्थित करने के बाद फिर ऋषभदेव भगवान जब बहुत समय हो गया राज्य करते करते, 84 लाख पूर्व की आयु थी उनकी, और 83 लाख पूर्व आयु पूरी हो गई, 1 लाख पूर्व आयु शेष थी। तब इंद्र को चिंता हुई कि देखो ये प्रथम तीर्थंकर हैं, और प्रथम तीर्थंकर होते हुए भी इनकी आयु का अधिकांश भाग तो निकल चुका है, फिर ये कब दीक्षा लेंगे और कब धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। तो फिर इंद्र ने एक उपाय किया कि तीर्थंकर हैं ये कहीं फंसे हुए नहीं होते, तीर्थंकर जो है वो कहीं फंसते नहीं हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अगर कोई संकेत मिल जाए, कोई घटना हो जाए, तो ये तुरंत दीक्षा ले सकते हैं। तो फिर इंद्र ने एक प्रबंध किया कि चलो चैत्र कृष्णा नवमी की तिथि आ ही रही है, तो इस बार हम उनकी जन्म तिथि है, एक जयंती शब्द आता है, आपने सुना होगा हनुमान जयंती, महावीर जयंती, तो ये ठीक है कि नहीं है जैन धर्म के अनुसार? देखो ऐसे समय पर अगर कोई ऐसा प्रश्न जब आपके सामने आए तो फिर अपने को खोजी बन जाना आवश्यक है, निर्णायक बनने की उतावली कभी भी नहीं करना, क्योंकि आगम अपार समुद्र है। जयंती जो है वो एक विशेषण है। विशेषण कैसा? कि जिसने जन्म लिया है उस तिथि पर, उस तिथि का विशेषण है वो, जिस तिथि को जयंती कहा जा रहा है। तो जिसने जन्म लिया है वो यदि विजेता हुआ है, उसने दुनिया का हृदय जीता है, उसने अगर कर्मों को जीता है और उसने बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की है, तो उसकी तिथि को, विजेता की तिथि को जयंती कहने में कोई आपत्ति नहीं है। महावीर जयंती बहुत ही सुंदर शब्द है। तो इसको कभी भी ऐसा मत सोचना कि नहीं हम तो जन्म कल्याण बोलेंगे। आप कितना अलग होगे दूसरों से, हर चीज़ में आप अलग बनना चाहोगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे भी शब्द जिसको अपन जैन अनेकांत से, स्यादवाद से घटित कर सकते हैं और प्रेम से रह सकते हैं सबके साथ में, ज़्यादा अलग होने की कोशिश नहीं करना है अपने। तो ऐसी स्थिति में जयंती का अर्थ होता है विजेता की जन्म तिथि। जी धातु से बना ना, जी का अर्थ होता है विजय, जीतने वाला, तो वो जीतने वाले की जन्म तिथि है। अब अपन जय तो बोलते ही है ना, आचार्य श्री की जय बोलते हैं, अपन कितने लोगों की जय बोलते हैं, क्या मतलब हुआ उसका? आपको जय बोलने में आपत्ति नहीं आ रही है और जयंती बोलने में आपत्ति आ रही है, कितनी विचित्र बात है। एक ही अर्थ है जबकि दोनों का। जय क्यों बोलते हैं आपको मालूम है? एक दिन हमने मध्यान्ह के उसमें बताया था ना, दोपहर के स्वाध्याय में बताया था, जय इसलिए बोलते हैं, जय का अर्थ होता है जीतो, जीत नहीं। जय का संस्कृत में अपन जय क्रियापद जो है उसका अर्थ होता है जीतो, तो अपन क्या कहते हैं?
महावीर भगवान की जय हो, आचार्यों की जय हो, उपाध्यायों की जय, सबकी जय बोलते हैं। किस पर जय हो? जिनको जीतना था उनको तो वो जीत चुके हैं, फिर अपन क्यों बोल रहे फिर से जय? तो उसका अभिप्राय ये पंडित जगनमोहन लाल जी शास्त्री जी ने बताया था कि अपन अपनी बुराइयों को नहीं जीत पा रहे हैं, तो अपन भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि आपकी जय हो, आप हमारी बुराइयों को जीतो। जीतना तो हमें ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक विनम्रता की भाषा में, भक्ति की भाषा में अपन बोल रहे हैं कि आपकी जय हो, हम सब के विकारों पर आपकी जय हो, क्योंकि आप जीत सकते हो, हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर हम आपसे मदद चाहते हैं, आपकी जय हो। तो इंद्र ने एक आयोजन किया, आज का ही तिथि की अपेक्षा से वो आज का ही दिन था, जन्म तिथि का ही दिन था, तो उन्होंने एक ऐसी देवी को चुना, एक ऐसी अप्सरा को चुना जिसकी आयु थोड़ी थी, वो कार्यक्रम पूरा नहीं कर सकती थी, थोड़ी सी आयु बची थी, तो उसने उसी को नृत्यांगना बनाया कि तुम डांस करना, तुम नृत्य करना। और फिर एक दूसरी देवी थी, उसको इंद्र ने कहा कि जैसे ही इसकी आयु पूर्ण हो, ये विलीन हो जाएगी, क्योंकि देवों की आयु पूर्ण होती है उनका शरीर गायब हो जाता है, तो तुम उसी स्थान पर उसी मुद्रा से नृत्य को जारी रखना। व्यवधान रहित नृत्य चलता रहे। तो वैसे ही हुआ, वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम हुआ और उस उत्सव में सब लोग मंत्र मुग्ध थे, क्योंकि मनुष्यों की कलाओं के सामने जो कलाकारों की कला है उसके सामने सामान्य लोगों की कला फीकी पड़ जाती है, और देवों की कला के सामने कलाकारों की कला थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। तो उन देवों की क्या कला थी, संगीत भी अद्भुत था, सब कुछ अद्भुत था, और साक्षात प्रथम तीर्थंकर वहाँ पर उनकी जन्म जयंती चल रही थी और वो कार्यक्रम हो रहा था, और उसी समय पर नीलांजना विलीन हो जाती है और वो कोई और देवी आकर के नीलांजना के रूप में नृत्य को जारी रखती है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन इंद्र ने जिस हेतु से ये आयोजन किया था उनको पता चल जाता है, भगवान से वो बात छुपती नहीं है और भगवान को वैराग्य हो जाता है। तो इस पर से एक गीत है, अभी आपके पास समय है कि निकलना है जल्दी? ऐसे सिंपल गाते हैं। नीलांजना देवांगना, नीलांजना देवांगना, जन्म जयंती पर प्रभु वर की आई बन कर नृत्यांगना, नीलांजना देवांगना, जय वृषभेश्वर जय तीर्थेश्वर जय आदिश्वर प्रथम जिनेश्वर, मंगल जिन है मंगल दिन है
मंगल गाए मंगल मना नीलांजना देवांगना नीलांजना देवांगना। जन्म जयंती पर प्रभुवर की आई बनकर नृत्यांगना नीलांजना देवांगना। संगम नश्वर वैभव नश्वर यौवन नश्वर उत्सव नश्वर। संगम नश्वर वैभव नश्वर यौवन नश्वर उत्सव नश्वर। जब देवी का विलय हो गया आई नूतन नीलांजना नीलांजना देवांगना नीलांजना देवांगना। जन्म जयंती पर प्रभुवर की आई बनकर नृत्यांगना नीलांजना देवांगना। तत्क्षण विनिमय अद्भुत अभिनय नर्तन गुणमय दर्शक तन्मय। तत्क्षण विनिमय अद्भुत अभिनय नर्तन गुणमय दर्शक तन्मय। सुरपति जिनपति दोनों जाने परिवर्तन की विडंबना नीलांजना देवांगना नीलांजना देवांगना। जन्म जयंती पर प्रभुवर की आई बनकर नृत्यांगना नीलांजना देवांगना। प्रज्ञा जागी निद्रा भागी एक धुन लागी लक्ष्मी त्यागी। प्रज्ञा जागी निद्रा भागी एक धुन लागी लक्ष्मी त्यागी। तब वैरागी प्रभु आदिश्वर हुए तपस्वी महामना नीलांजना देवांगना। जन्म जयंती पर प्रभुवर की आई बनकर नृत्यांगना नीलांजना देवांगना नीलांजना देवांगना नीलांजना देवांगना। ठीक है, वहाँ आदिनाथ भगवान की सभा में भी सब लोग ऐसे ताली बजा रहे हैं, क्योंकि उनको तो वैराग्य हो गया है, उनको तो दिख गया था कि देवांगना नहीं है वो, ये तो कोई और नृत्य हो रहा है, वो तो समाप्त हो गई। अंधो निबड़ई कुवे बैरोण सुने दि साधु उपदेशम जानंतो पच्छंतो जानंतो पसंतो निबड़ई निरिये अहो चोचम। वो विचार करते हैं कि देखो मृत्यु देवों को भी नहीं छोड़ती, देवियों को भी नहीं छोड़ती, मनुष्यों की तो बात ही दूर है। अंधा कुछ देख नहीं पाता, कुएं में गिर जाता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होता, दया आती है। बहरा साधुओं का उपदेश नहीं सुन पाता तो वो अपना कल्याण नहीं कर सकता, किसी को आश्चर्य नहीं होता, दया आती। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि कुछ लोग सब कुछ देखते हुए भी सुनते हुए भी जानते हुए भी समझते हुए भी पाप कमाकर दुर्गति में पड़ जाते हैं, आश्चर्य की बात है। बहुत हो चुका, लंबे समय तक मैंने यहाँ पर अपना जीवन लगा दिया, प्रजा का जो भी हित करना था, षट कर्मों का जो मैंने उपदेश दिया वो सब कर दिया मैंने, मैंने अपने कर्तव्य पूर्ण किए, तो अब भरत को उत्तरापथ का और बाहुबली को दक्षिणापथ का राजा बनाकर
अयोध्या में भरत को स्थापित करता हूँ और दक्षिणापथ में बोधनपुर के बाहुबली को शासक बनाकर मैं दीक्षा लेता हूँ और बाकी पुत्रों को भी अपने अपने राज्य बांट देता हूँ। सबको बांट करके फिर एक एक आभूषण और एक एक जितने भी अलंकार थे उनको छोड़ते जाते हैं और उनके एक एक त्याग में भी वो वैराग्य ही झलक रहा था। और अभी धर्मस्थल पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था पंचवैभव, उसमें आदिनाथ भगवान के वैराग्य का जो दृश्य था मतलब नाट्य मंचन करके उन्होंने जो चित्रण किया था उसका कन्नड़ भाषा में था, भले कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन दिख रहा था वो एक एक आभूषण उतार करके जो उनके चेहरे के भाव थे और जो गीत बज रहा था वैराग्य का, सबकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो सब त्याग करके चले जाते हैं और दीक्षा लेकर उनके पीछे पीछे 4000 लोग भी राजा भी अनुकरण करते हुए दीक्षित हो जाते हैं और वो ध्यान कायोत्सर्ग में 6 महीने का उपवास धारण करके खड़े हो जाते हैं। फिर 6 महीने के बाद फिर वो आहारचर्या के लिए निकलते हैं और 1 साल बाद तो उनको आहार मिलता है दीक्षा के 1 साल बाद। और फिर 1000 वर्ष तप करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर बची हुई आयु तक धर्म का उपदेश देते हैं और जब आयु के अंतिम 14 दिन रह जाते हैं पौष माह की पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र था, भगवान का अंतिम उपदेश हुआ और उसके बाद वो अष्टापद चले गए और अष्टापद में 14 दिनों तक उन्होंने योग निरोध किया और फिर कर्मों का क्षय करके माघ कृष्णा चतुर्दशी को निर्वाण को प्राप्त हुआ। आज तो खैर अब पांचों कल्याणक की चर्चा आ गई ऐसे, वैसे आज जन्म जयंती है और दीक्षा दिवस है तो आदिनाथ भगवान को नमस्तु करते हैं। जय नम जय कृष्णा सिंह।